बीते दिन अनंत और राधिका की शादी में बच्चन फैमिली भी पहुंची थी। हालांकि इस दौरान अभिषेक और ऐश्वर्या अलग अलग पहुंचे, जिसके बाद कपल के तलाक के रूमर्स फिर से तेज हो गए। जी हां, अनंत राधिका की शादी में वो दोनों साथ में नहीं पहुंचे और ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन बीते दिन अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के बंधन में जब वो बंध गए। लेकिन कपल की शाही शादी में बॉलीवुड के भी तमाम सितारों ने शिरकत की। इस दौरान बच्चन फैमिली भी शादी में पहुंची। बच्चन फैमिली के आते ही सभी की निगाहें उन पर टिक गई। वहीं जिस बात ने सभी का ध्यान खींचा और ये थी कि बच्चन फैमिली के साथ उनकी बहू ऐश्वर्या राय कहीं नजर नहीं आई। वहीं अब अनंत और राधिका की शादी के तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हैं, जिसमें कि बच्चन फैमिली और ऐश्वर्या राय के वीडियो भी सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहे हैं, जिन्हें देखने के बाद यही लग रहा है और यूजर्स यही कह रहे हैं कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या के बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। क्योंकि बता दें कि ऐश्वर्या राय अलग आई थी अपनी बेटी आराध्या के साथ, वहीं अभिषेक बच्चन और अपनी फैमिली के साथ वो अलग आए थे। दोनों ने पैपराजी को अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोजेस दिए, लेकिन दोनों साथ में कभी भी नहीं दिखे, ना ही उन्होंने साथ में कोई तस्वीरें खिंचवाई। जिसके बाद ये काफी ज्यादा आग पकड़ रखा है कि क्या ये दोनों अलग हो चुके हैं या फिर ये लोग अलग होंगे। बता दें कि बल्कि वो अपनी बेटी आराध्या संग शादी में शरीक हुई, लेकिन माँ बेटी इस दौरान बच्चन फैमिली से अलग अलग नजर आई। इस दौरान ऐश्वर्या ने बच्चन फैमिली और पति अभिषेक बच्चन के साथ नहीं बल्कि अकेले ही पैप्स को पोजेस दिए। अनंत राधिका की शादी में ऐश्वर्या राय लाल सुर्ख आउटफिट पहनकर पहुंची। मांग टीका लगाए एक्ट्रेस बला की खूबसूरत लग रही थी, तो वहीं ऐश्वर्या के अभिषेक और अपने सास ससुर अमिताभ बच्चन जया बच्चन से तस्वीर क्लिक न कराने और साथ न आने के बाद एक बार फिर इनके अनबन के रूमर्स तेज हो गए हैं। सोशल मीडिया पर लोग रिएक्शन दे रहे और लिख रहे हैं कि ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन का तलाक हो रहा है। बता दें कि ऐश्वर्या और बच्चन फैमिली के बीच अनबन की खबरें तब शुरू हुई थी जब अमिताभ बच्चन ने अपना एक बंगला अपनी बेटी श्वेता बच्चन के नाम कर दिया। हालांकि अभी तक ना तो बच्चन फैमिली और ना ही ऐश्वर्या ने अनबन की खबरों पर कोई रिएक्शन दिया है। वैसे आपकी क्या राय, हमें कॉमेंट करके बताएं।